दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस गैजेट से भरी हुई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइक एक्सेसरीज और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी बाइक्स में यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ ही बाइक से जुड़ी कुछ एक्सेसरीज के बारे में भी बताऊँगा जिनका इस्तेमाल करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और इन सभी बाइक एक्सेसरीज और गैजेट्स को आप इंडिया अमेजोन से खरीद सकते हैं। और अगर आप इन गैजेट्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप खरीदना चाहते ही है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों नंबर वन पे जो गैजेट आता है उसका नाम है ग्रिप लॉक। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जिस जगह आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं वहाँ पर आप अपनी बाइक को खड़ा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कई बार बाइक्स की चोरी भी हो जाती है और उन्हें कोई भी चुरा कर ले जाता है। तो अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम हैंडल लॉक लगा देंगे तो आखिर कोई चोर भला कैसे हमारी गाड़ी चुरा सकता है। तो मैं आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देता हूँ। दोस्तों अब गौर से देखिए कि ये चोर कैसे इस गाड़ी को चुरा लेता है। तो अब आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि चोर कितने शातिर होते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ये ग्रिप लॉक बनाया गया है और ये आपकी किसी भी बाइक की सुरक्षा के लिए एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि ये लॉक आपके बाइक की सुरक्षा करता है ब्रेक्स की मदद से। क्योंकि अगर ब्रेक ही टायर को पकड़ लेगा तो कैसे कोई चोर गाड़ी को चुरा कर ले जा सकता है। तो इसी वजह से इस बेहतरीन लॉक को इन्वेंट किया गया है और इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इसे एक हैंडल से ब्रेक की दूसरी साइड तक इस लॉक को लगाकर चाबी से इसको लॉक कर देना है और इसके बाद आपकी गाड़ी कड़ी सिक्योरिटी में पार्क हो जाएगी और इसे कोई भी चोर चुराने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हमारे अगले गैजेट का नाम है ब्रेक फ्री। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हेलमेट बाइक राइडिंग के दौरान पहनना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इंडियन गवर्नमेंट ने हेलमेट को पहनना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि अगर आप अपने सर पर बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी से गिरने के बाद आपको बहुत ही गहरी चोट लग सकती है, क्योंकि उस चोट से बचाने के लिए आपके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी। और अगर किसी को बिना हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो उसको काफ़ी भारी फाइन देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हेलमेट को ज़रूर पहन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई सेफ्टी की बात, तो अब बात कर लेते हैं कि इस गैजेट में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों एक गैजेट दरअसल एक ब्रेक इंडिकेटर LED लाइट है, जो कि आपके ब्रेक लगाने पर ये ब्रेक को इंडिकेट कर देता है और इस हेलमेट के पीछे LED लाइट लगी होती है। अब आप कहेंगे कि ब्रेक लाइट्स तो ऑलरेडी गाड़ी में होती है, लेकिन कई बार ये होता है कि पीछे से आने वाली गाड़ियों की नज़र ब्रेक लाइट्स पर नहीं होती है और इस वजह से खतरनाक हादसे होने के चांसेस होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए इस छोटे से ब्रेक फ्री डिवाइस को बनाया गया है, जिससे आप इस गैजेट को अपने हेलमेट में लगाकर अपनी सिक्योरिटी को डबल कर सकते हैं। और इस गैजेट को इस्तेमाल करना यानी कि इंस्टॉल करना चुटकी बजाने जितना आसान है। आपको बस एक गैजेट लेकर हेलमेट के पीछे रख देना है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और इसमें खास बात यह है कि ये डिवाइस वायरलेस है, यानी कि इसमें कोई भी वायर्स या किसी भी तरह का तार लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जो कि आपको 8 घंटे की बैटरी बैकअप देती है और इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। हमारा अगला जो गैजेट है उसका नाम है बाइक मोबाइल चार्जर। अगर आपके पास बाइक है तो आपको एक गैजेट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि सफ़र करते वक्त बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे समय में आपको ज़रूरत पड़ती है एक पावर बैंक की, लेकिन वो पावर बैंक साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है और उसे ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको इन सारे झंझटों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइक मोबाइल चार्जर और इस गैजेट की मदद से आप अपनी बाइक की बैटरी से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक गैजेट बहुत ही छोटा सा एडेप्टर होता है, जिसे कि आप इसे अपने बाइक के साथ या फिर स्कूटी के साथ अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस गैजेट को किस तरह से यूज़ करना है। आपको बस अपने बाइक के बैटरी का कवर निकालना है और उसके बाद इस मोबाइल चार्जिंग गैजेट के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को बाइक के बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर लगाना है और इसके बाद आप अपने मोबाइल को इस बैटरी की पावर से चार्ज कर सकते हैं। अगला जो गैजेट है उसका नाम है टैंक बैग। दोस्तों वैसे तो मार्केट में टैंक बैग्स काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्राइस होने के कारण कुछ लोग बहुत ही सस्ते टैंक बैग्स खरीद कर ले आते हैं।
लेकिन वो सस्ते वाले टैंक बैग्स या तो कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अगर आप इस बैग को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये बैग दिखने में तो काफ़ी नॉर्मल लगता है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। और इसी के साथ ही इस बैग में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है जिससे आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं, और इस बैग को बाइक के साथ अटैच करना काफ़ी आसान होता है। अगर बात करें इस गैजेट को यूज़ करने की, तो आपको बस ये करना है कि इस बैग के जो हैंडल्स होते हैं उसे खोलकर इसे अपने बाइक के फ्यूल टैंक के आगे कुछ इस तरह से लगाना है, जिसके बाद आपको इस बैग के बेल्ट में इसे इस तरह से अटैच कर देना होगा। और इसके बाद आपकी बैग किसी भी तरह का सामान कैरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ आपको इस बैग के सामने एक हाई क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी देखने को मिल जाता है, और इससे आप अपने मोबाइल को इसके अंदर रखकर मैप्स को देख सकते हैं। और ये बैग बिल्कुल वाटरप्रूफ है, जिसे आप बारिश के वक्त में इसके ऊपर डालकर आप बारिश से बचा सकते हैं। और अगर आपको इस बाइक में पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको बस ये करना है कि इस बैग को उसके लॉक से निकाल देना है और पीछे लटका देना है। दोस्तों, अब अगला जो गैजेट है वो सभी बाइकर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स और लॉकर्स में आया था, लेकिन इस गैजेट को हमारे कुछ खास इन्वेंटर्स ने इन्वेंट किया है, और इसे देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक फिंगरप्रिंट स्टार्टर होता है जो कि बिना चाबी के आपकी फिंगरप्रिंट लगाने से स्टार्ट होता है। दोस्तों, इस फिंगरप्रिंट स्टार्टर को बनाने का एक ही मकसद है, और वो है चाबियों का खो जाना, क्योंकि कई बार चाबियां खो जाने के बाद मिलने का नाम ही नहीं लेती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस गैजेट को इन्वेंट किया गया है। लेकिन अब आपको चाबियां खो जाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इस गाड़ी के फिंगरप्रिंट स्कैनर में सिर्फ एक फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि अपने मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं, यानी कि आप इसमें काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स को ऐड कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें एक इनबिल्ट जीपीएस भी होता है, जो कि आपकी बाइक चोरी हो जाने पर आपको उसका लोकेशन देता है। तो दोस्तों, आपको ये बाइक स्टार्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इन सारे गैजेट्स को ख़रीदना चाहते हैं तो हमने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर अपना वोट दे सकते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शन दिख रहा होगा, आप अपनी पसंद के हिसाब से वोट दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।